तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक लाइट स्टैंड है। इसको आप लाइट स्टैंड भी कह सकते हैं या आप इसको ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टी अटैचमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, कंपनी का नाम है टाइगॉट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसको जल्दी से खोल के देखते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी, सबसे मेन चीज़ में हमें यही देखनी है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि एल्युमिनियम का है, तो चेक करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी खोलकर। और मैं इसका प्राइस बता दूं, ये मुझको पड़ा है 499 रुपये का अमेजोन से। अगर आपको परचेज़ करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक परचेज़ कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे अभी ये इतना मुझे लग रहा है केवल 2 फीट का ही होगा और इसको हम बढ़ा के 7 फीट का कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ है 7 फीट। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत ही हल्का है पर स्टेडी है, मतलब खड़ा रह सकता है। अगर इस पर कुछ लोड देंगे तो आप खड़ा रह सकता है। तो चलिए हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड करके हम देखते हैं इसको। तो अभी तो ये 2 फीट का है और इसको बढ़ के हमारा हो जाएगा 7 फीट का। तो थोड़ा लूज़ करते हैं, यहाँ से हम लूज़ करके इसको हम फैलाते हैं, ऐसे नीचे ले जाएंगे। ये देखिए ऐसा इसका बेस है, ये ट्रायंगल टाइप का बेस है। इसको आप जैसे नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही आपको बेस चाहिए होगा, अगर ऐसे फैलाना है और ऊंचा ले जाना है ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे नीचे करेंगे तो और नीचे हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, तो अगर यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ स्क्रू वाले हैं, अगर यहाँ पर आप इसको कसते हैं तो इधर स्क्रू लगा हुआ, इसका ढीला टाइट करना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको ढीला करेंगे तो ऐसे बढ़ेगा, फिर इसको यहाँ टाइट कर देंगे। तो अब इसको हम स्लो करते हैं और ये देखिए हमारा लगभग 7 फीट का हो गया। अभी मैं कैमरा दिखाता हूँ, कैमरा उठा के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा सही से। ये देखिए बेस है और ये पूरा हमारा इतना 7 फीट का। सात फिट का ये आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके स्क्रू की, जो यूनिवर्सल स्क्रू इसमें दिया हुआ है, ये देखिए इसमें आप लगा सकते हैं, कोई भी माउंट कर सकते हैं, अपना कैमरा, अपना फ़ोन का होल्डर जो कि इसी के साथ मिला है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए होल्डर मिला है इसी के साथ, तो ये होल्डर देखिए मिला है इसी के साथ। और अगर आप इसको अलग से लेंगे तो ये 150 से 200-250 तक का मिल जाता है, तो अलग से लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, मेरे पास ऑलरेडी एक है और ये भी एक हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो ये देखिए स्क्रू है, आप इसको यहाँ पे कस सकते हैं, यहाँ पे ये कस जाएगा। और जो स्क्रू है वर्टिकल वीडियो बनाने के लिए, तो इसे यहाँ भी कस सकते हैं। तो चीप अगर ऑप्शन में आप जाएंगे ट्राईपॉड या लाइट स्टैंड लेने के लिए, तो ये मेरे लिए अभी परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा भी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मैंने 500 रुपये का ख़रीदा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।